मेरे और उस आदमी के बीच वही चल रहा है जो राहुल की प्रियंका का किसी गैर आदमी के साथ चल सकता है, और किसी गैर आदमी का राहुल की प्रियंका के साथ जो कुछ भी चल रहा है उस पर राहुल को फक्र नहीं होगा, शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। हालांकि शेखर के होश में आने के पहले सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। राहुल आज जमीन की सूरत बदल गई है, आज ऊपर आसमान की शक्ल बदल गई है, पर प्लीज प्लीज आज तुम ना बदलना, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरा तुम्हारे पिया को आज रात सलामत रखना। प्रियंका, भैया प्लीज प्लीज आप मुझसे नाराज मत होइए और किसी की बात भी मत सुनिए। भैया भैया मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए, अभी आप जाइए यहाँ से, मैं प्रूफ कर दूंगी कि ये सब सब गलत है, आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी, आप जाइए। प्रियंका, प्रियंका तेरा ये भाई यहाँ तेरे लिए कोई सवाल लेकर नहीं आया, तू अपने इस भाई पर क्या प्रूफ कर लेगी, दुनिया तेरे इस भाई पर क्या साबित कर पाएगी जब तेरा ये भाई जानता है कि उसकी बहन बेगुनाह है। प्रियंका, तेरी ये जमीन अपनी सूरत बदल सकती है और तेरा ये आसमान अपना रंग भी बदल सकता है, मगर तेरे इस भाई का विश्वास 25 सालों से जैसा था वैसा ही है। अगर ये आरोप तेरी भाभी पर लगे होते ना तो शायद मेरा विश्वास गार्गी पर थोड़ा हिल जाता, पर जिस बेवकूफ ने तुझ पर ये आरोप लगाया है सच मान मुझे उस पर हंसी आती है। गंगा में लोग कितना कूड़ा करकट बहाते हैं, जब मुझे आकर कोई बोलेगा ना कि गंगा जल दूषित हो गया, उस दिन जाकर मैं मानूंगा कि मेरी बहन भी अपवित्र हो सकती है। आपके विश्वास ने मुझे बचा लिया, वरना मैं टूट कर बिखरने लगी थी भैया। तो अपने भाई के बाहर आकर बेकार की बातें मत कर प्रियंका, ना तो टूटना जानती है और ना बिखरना। और एक बात सुन ले, हमारे बीच चाहे जितने डिफरेंसेस क्यों ना हो पर भाई बहन के रिश्ते के मान को कभी ठेस नहीं लगेगी, क्योंकि तेरा मेरा रिश्ता ऊपर वाले ने बनाया है और लामबाज और खरबंदाज के बीच की दुश्मनी नीचे वालों ने। उस शेखर सिन्हा को होश आ गया है, अब वो बयान देने वाला है। आओ। मैं जो पूछ रहा हूं मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? देखिए मिस्टर सिन्हा, आपका हर जवाब हमारे लिए ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इसलिए सारी हिलाकर नहीं शब्दों में जवाब दीजिए। देखिए पिछली बार आपका बयान अधूरा रह गया था, एक बार ये खुलासा कर दीजिए कि मिसेस लांबा के साथ आपके संबंध में ऐसा क्या आपत्तिजनक था जिसकी वजह से राहुल लांबा ने आप पर जानलेवा हमला किया?
मिस्टर सिन्हा, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही है, जोर से बोलिए। मैं और मिसेस लांबा एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते। प्रॉब्लम ये है कि शादीशुदा है पर लांबा परिवार की बहू है। मालूम तो हमें आज चला कि इन खबरों में भी नशा होता है। तो दोस्तों थाम लो जाम। एक अकेला चीयर्स और इतने सारे मुद्दे। चीयर्स इस बात पर करेंगे कि गई प्रियंका घर से। चीयर्स इस बात का करें कि मायके वालों ने भी उसे या चीयर्स इस बात का करते हैं कि आज राहुल और प्रियंका बिछड़ गए और मेरा छोटा भाई फिर से कुंवारा या इस बात का करते हैं चीयर्स कि ऋषभ लांबा अपने दुश्मनों को बर्बाद कर देते हैं पर उनसे फिर भी हम दर्द करते हैं। वो जमाने अलग थे जब रात सपनों से सजा करती थी। अब तो मैं रात भर बैठी आने वाली सुबह का इंतजार करती हूँ कि कहीं वो कोई नया दर्द तो लेकर नहीं आ रहे। ये मर्द न जाने किस युग में समझेंगे कि बड़े बड़े आलीशान घर, अगाध पैसा, दुनिया की शोहरत औरत के सुख खरीदने के लिए बहुत कम पड़ जाते हैं। एक ही कोख से पैदा हुई औलादों में प्यार और स्नेह देखकर फटी साड़ी वाली माँ भी अपने आप को दौलतमंद महसूस करती है। बड़ी धनवान हो जाती है वो गरीब पत्नी जब वो देखती है कि उसके पति को अपने बेटों पर फख्र है पर मीरा लांबा नाम की रईस औरत एक कंगाल माँ है। रमन लांबा नाम की उद्योगपति की बीवी एक बहुत ही गरीब पत्नी है। धीरे धीरे मम्मा ने सुन ले। तो फिर हम ये सेलिब्रेशंस फिर कभी कर लेंगे। हाँ ये जश्न तो आज ही मनाया जाएगा क्योंकि ये वो डिश है जो गर्म और ताजा खाई जाती है। और कितनी बड़ी बात हो गई ये घर ही नहीं छूटा प्रियंका खरबंदा से राहुल भी छूट गए और राहुल से बिछड़कर प्रियंका कहाँ जाएगी। इस सवाल का सही जवाब देने वाले को चार दिन और तीन रातों का स्टे फ्री स्टे गोवा के एक फाइव स्टार होटल में लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से। तो सवाल ये था कि राहुल से बिछड़कर प्रियंका कहाँ जाएगी। इस बात की गारंटी हमारी कि जहां जाएगी ऋषभ लांबा को जरूर याद करेगी। प्रियंका तो हर तरफ से हो गई बेसहारा पर राहुल को सहारा इस सिचुएशन में हम देंगे।
रानी, ये है राहुल के एंटीसिपेटरी बेल पेपर्स। राहुल के पास जाओ और उसकी जमानत देकर उसे वापस ले। मॉम और डैड को पता चलने से पहले राहुल का वापस इस घर में आना बहुत जरूरी है। वाह चीफ। सुना, अपनी ड्रिंक खत्म करो और फिर जाओ। ओके सर। ये पता करने जब हमारी कैमरा टीम हॉस्पिटल पहुंची तो उसने शेखर और राहुल लांबा की पत्नी प्रियंका लांबा के बीच हुई बातचीत को रिकॉर्ड किया, जो हमारा चैनल एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है। तो देखिए शेखर और प्रियंका लांबा के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग सिर्फ इस चैनल पर। मैं और मिसेस लांबा बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शादीशुदा है पर राहुल बहू है। खबर को बार बार देखने से खबर बदल नहीं जाएगी। हमें जिस बात का डर था वही हुआ। शेखर ने यह सबके सामने कबूल कर लिया है कि उसके और प्रियंका के बीच कुछ था। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नताशा, ये लोग जिस प्रिया के बारे में बात कर रहे हैं वो मेरी प्रियंका है क्या? Are you sure? राहुल प्लीज, मैं टीवी बंद कर देती हूँ। रुक जाओ। अभी एक खबर और बाकी। कौन सी खबर? उस जलजले की जो शहर में आया और शहर के सारे मंदिर ढह गए। ऐसा जलजला जिसके बाद किसी के दिल में किसी के लिए कोई रास्ता नहीं रही। ऐसा जलजला जिसके बाद हर किसी के दिल से यकीन मिट गया। नताशा, ऐसा जलजला जिसमें विश्वास के मलबे के नीचे मोहब्बत कुचल गई। ऐसा जलजला आया इस शहर में। देखना, इसी टीवी पे वो खबर भी आएगी। देखना। मेरी बिया नहीं हो सकती नताशा। हेलो। अरे बहू, तुम्हारे जेठ जी बोल रहे हैं भाई। बड़े नादान है तुम्हारे जेठ, कि पहचान ही नहीं पाए कि राहुल इस घर में जिसे ब्याह कर लाया है वो दरअसल कौन थी। 90 मिनट के क्लिपिंग ने तुम्हें देश भर में मशहूर कर दिया। तुम तो सेलिब्रिटी हो गई बहू। बड़ा दिल कर रहा है तुमसे रिश्ता कायम करने का। मैं तो फोन कर करके लोगों को बता रहा कि हेलो, टीवी देखा? शेखर सिन्हा ने अपने 90 मिनट के दूसरे बयान में जिसका जिक्र किया वो प्रियंका लांबा हमारी बहू है। फोन पे कौन है? रॉन्ग नंबर है। अगल पर पड़े पत्थर बहुत जल्दी हटते हैं। समझदार तो है प्रियंका खरबंदा। समझ गए कि ये फोन नंबर इस घर का नंबर और वो बेडरूम नंबर सब रॉन्ग नंबर।
इसमें से कोई भी चीज उसके नसीब में थी ही नहीं। अब अपने पुराने नंबरों पर प्रियंका खरबंदा लौट जाएगी। रानी तुम अभी तक गए नहीं? भाभी मैं आपका मैसेज समझ गया, मुझे अब चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक समझे। हाँ नहीं नहीं रानी, थोड़ी देर और बैठो बैठो। नहीं चीफ, वो मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। जब शादी थोड़ी पुरानी हो जाती है तो कबाब में हड्डी अच्छी लगने लगती है। एनीवेज गुड नाइट चीफ। गुड नाइट। बाय भाभी। गुड नाइट। तुमसे एक बात कहूं? आमतौर पर जैसी बातें करती हो वैसी बात ना हो तो कहो। मैं डॉक्टर प्रसाद से मिलने गई थी, एक बार मेरी बात तो सुन लो। डॉक्टर प्रसाद ने मेरा पूरा चेकअप किया और कहा कि ऐसा कोई मेडिकल रीजन नहीं है जिसकी वजह से मैं मां नहीं बन सकती। तुम्हारे डॉक्टर प्रसाद ने ये बात पूरा चेकअप करके कही और मैं बिना चेकअप के कब से तुमसे कह रहा हूं कि तुम बेशक मां बनोगे। बेशक तुम्हारे कहने या मेरे सुनने से मेरी कोठारी तो नहीं होगी ना। जब मैं सोच रही थी कि हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं, सिर्फ तुम और मैं, कहीं दूर, बहुत दूर, और अगर हो सके तो आज रात को ही चलते हैं, अभी। आज रात, अभी। प्लीज। मत है, मैं तुम्हारी हर बात नहीं मानता। अगर मेरी जगह कोई जोरू का गुलाम होता तो तुम्हारे पुकारने पर चलते मैच में रन नहीं निकलेगा और भागता हुआ सीधा तुम्हारे पास पहुंच जाता और कहता, डार्लिंग कहीं दूर जाना। प्लीज मेरे इमोशंस का मजाक मत उड़ाओ। अगर मैं तुम्हारे इमोशंस की उंगली पकड़कर चलूं, तो मेरा तो मजाक बन जाएगा। माना कि यह मैच हम तकरीबन जीत चुके हैं, पर अभी हमने राहुल और प्रियंका को बिछड़ते हुए कहां देखा है? अभी हमने प्रियंका से यह घर छूटते हुए कहां देखा? ये तो वही बात हुई कि हम दोनों फिल्म देखने जाते हैं और जनगण मन खड़े होकर सुनते हैं और फिल्म शुरू होने से पहले ही वापस आ जाते हैं। ऋषभ, ऋषभ प्लीज, ऋषभ मेरी रिक्वेस्ट को मजाक में मत डालो। मैं यहाँ बैठूंगी।